करता हूं बेस्ट डायलॉग्स अवार्ड और इसे देंगी द वेरी ब्यूटिफुल बिपाशा बासु। गुड इवनिंग एवरीवन एंड गुड इवनिंग मिस्टर हैंसम सलमान खान। थैंक यू आप डायलॉग का मैंने देने लिख आई हूं। हैं तो नहीं मैं डायलॉग नहीं लिख कुछ बोलेंगी? हाँ बोलूंगी, बोलिए ना। ये जिस्म प्यार नहीं जानता, जानता है तो भूख, सिर्फ जिस्म की भूख। ये याद था, अभी मेमोरी खराब है। जिस्म से याद आकर बड़ी फिट लग रही है। आपके जो फिटनेस वीडियो है, एक और लॉन्च कर दिया मैंने। किसने लॉन्च किया है? नहीं, खुद मैंने। तो आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन बट इट्स सो फनी सलमान, I get to see you on my launch day again. तो नॉमिनेशन दिखा देते हैं जी, और मैं आपको जब तक देखते रहता हूँ। सोनाक्षी, don't get jealous. Renault Star Guild nominations for the best dialogue are Prasun Joshi for Bhag Milkha Bhag. ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही। 26 पे छोकरी। हुसैन दलाल फॉर ये जवानी है दीवानी। मौत का इंतजार। हिमांशु शर्मा फॉर रांझना। अक्सर डॉक्टर और इंजीनियर उठा के ले जाते। सिद्धार्थ गरिमा फॉर गोलियों की रासलीला रामलीला। फरहाद साजिद फॉर चेन्नई एक्सप्रेस। विपुल विग एंड मृगदीप सिंह लांबा फॉर फुकरे। पहले पेमेंट फिर एंजॉयमेंट। द रेनॉ स्टार गिल्ड अवार्ड फॉर बेस्ट डायलॉग गोज टू हुसैन दलाल फॉर ये जवानी है दीवानी। कंग्रेचुलेशन। प्रीतम दादा, मिस्टर गद्दार को माइक दो। अच्छे अच्छे गाने आप बांटते रहो। जब आपको बुलाए तो हमें इनकार करते रहो कि नहीं ये कोई गाना। और ऐसा गाना दिया मेरे को आपने, कैरेक्टर ढीला है जो फिट ही नहीं होता है। वेरी बैड। आई एन आस्क्ड मी टू पिक अप दिस अवार्ड इफ हुसैन गेट्स द अवार्ड एंड ऑन हिज बिहाफ थैंक द एंटायर टीम ऑफ ये जवानी है दीवानी। गाना तो गा के जाओ। अच्छा है। बदतमीज दिल माने ना। वाह, इस बदतमीजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिपाशा, आप कुछ स्टेप दिखाएंगे फिटनेस वीडियो के? अरे शिल्पा शेट्टी पुशअप्स कर लेती है साड़ी के अंदर, तो आप मेरे डीवीडी में जो स्टेप्स है ना वो सब स्क्वाट्स है। ऑफ देयर इज अ एक्सरसाइज कॉल्ड फ्रॉग लीप। हाँ, वो कैसे होगा साड़ी के अंदर? वो ऐसे साड़ी में कैसे करूं? ट्राई तो कर लो। जस्ट इमेजिन इफ माय लाइक माय मदर वांट्स टू डू योर फिटनेस वीडियो। माय मदर डज नॉट वेयर टाइट दोस। नो सलमान, शी कांट। नो, आई शी विल हैव टू डू इन साड़ी ओनली ना। ये इसमें सलमान बहुत टफ है, आपको तो पता है। स्क्वाट करो और कूद ही मारो। अच्छा, ये करते करते नीचे जाके दिखाओ मुझे। मैं जा रही हूँ। थैंक यू। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केंचो एंड वेलकम टू रेनो स्टार गिल्ड अवार्ड्स। अक्सर कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। ये जो स्टार गिल्ड वाले इंसान हैं, इन्होंने पिछले साल एक गलती की थी। मुझे बुलाया गया होस्ट करने के लिए और इन्होंने काफी कुछ सीखा। और ये लालच भी बहुत बुरी चीज होती है, इनको लालच लग गई। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे कॉल्ड मी फॉर दिस होस्टिंग। रमेश जी, अब जब मुझे देखते हो मैं अपना भूल जाता हूँ डायलॉग। हाय शाहरुख।
How you doing? How's it going? All good? Your film was a big hit. Congratulations. अब ये जो हुआ है ये इसके तीन वर्जन आपको देखने के लिए मिलेंगे टीवी पर. तो ये बेसिकली ये ऐसा आएगा कि मैंने हाय शाहरुख और शाहरुख का एक्सप्रेशन आएगा शाहरुख लवली. दूसरा आएगा हाय शाहरुख and Shahrukh will wave back and he said best of luck for Jai Ho. I hope it breaks the records of Chennai Express and what is Dhoom 3, and I'll say thank you man, thank you, appreciate it. Ye aayega aur phir jo teesra aayega wo hum jo reality hai ke Tanisha ji aap baithi hongi aur main aapse baat kar raha hu. This is the haqeeqat. तो बेसिकली कि हम जो करते हैं वो कभी कभी टीवी के लिए करते हैं और फिर ये जो टीवी वाले जो हैं वो किधर का भी क्लोज उठाकर किधर भी डाल देते हैं. सो बी वेरी केयरफुल कि आप कब हंस रहे हैं, कितना हंस रहे हैं और कब यौन कर रहे हैं. तो थैंक यू. बहुत यहाँ पर लोग आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. So, यहां पर हम आए हैं 2013 में हुए हुए बेहतरीन काम को अप्रिशिएट करने के लिए और अवार्ड देने के लिए. लेकिन आई वुड से कि ये क्या साल था, बकवास. ना स्टोरी, ना म्यूजिक, ना एक्टिंग, ना डायरेक्शन. देयर वाज नथिंग इन दिस ईयर. मतलब मेरे लिए क्योंकि मेरी फिल्म ईद पर रिलीज होने वाली थी, नहीं हुई. तो फॉर मी दिस ईयर वाज अ बकवास ईयर. लेकिन आप लोगों ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही कामयाब फिल्में बनाई हैं इस साल. तो आप सब लोगों के लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. Jacqueline, congratulations. जी हाँ, शाहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस ब्लॉकबस्टर, फरहान अख्तर. वाह यार फरहान, कहाँ बैठे हो फरहान? फरहान को साइकिलिंग मैंने सिखाई थी बचपने में और आज वो हमको भगा रहा है. और आमिर, धूम मचा ले. वाह यार, ये चीटिंग है. आई थिंक दिस इज नॉट फेयर. एक आमिर खान 200 करोड़ करता है, इन्होंने दो दो डाल दिए 400 करोड़ करने के लिए. नॉट फेयर. तो चलिए सबसे पहले जो कैटेगरी है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है. अगर हमारे फादर लिखते नहीं तो हमारी घर की कहानी कुछ शायद अलग ही होती. लिखने से याद आया कि ये अवार्ड है फॉर बेस्ट स्टोरी. टू प्रेजेंट दिस अवार्ड हम बुलाना चाहेंगे रूमी जाफरी और रेमो फर्नांडिस को. जैकलीन फर्नांडिस और रेमो डिसूजा में मिक्स हो गया, सॉरी, मुझे माफ कर दो. आइए कम. कैन वी हैव द नॉमिनेशंस? नॉमिनेशंस प्लीज. रेनो स्टारगिल्ड नॉमिनेशंस फॉर द बेस्ट स्टोरी आर पबाली चौधरी, सुप्रतीक सेन, अभिषेक कपूर एंड चेतन भगत फॉर काय पोछे. प्रसून जोशी भाग मिल्खा भाग. इंडिया द कोर्ट मान है. हिमांशु शर्मा रांझना. कौन फिर से मेहनत करे दिल लगाने को दिल तोड़ना. रितेश पात्रा द लंच बॉक्स. लंच कैसा लगा? तेरे पापा को क्या फर्क पड़ता है? सुभाष कपूर जॉली एलएलबी. प्रैक्टिस हो या ना हो
समीर गौतम एंड हंसल मेहता शाहिद. तुम्हें जो करना है तुम. And the Renault Star Guild Award for Best Story goes to Prasoon Joshi for Bhag Milka Bhag. Thank you, Guild, and thank you everyone who voted. This is a special film and learned a lot. I want to thank Milka Singh for living such an inspiring life and Rakesh Mehra for directing beautifully. And above all, Farhan for wonderful performance. Thank you all. Thanks a lot. Thank you, sir. Present.